के कुख्यात डॉन भैया जी के खिलाफ आज हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। उन पे कानपुर के एक व्यापारी का अपहरण और फिर हत्या का आरोप है। सूत्रों से पता चला है कि ये कुख्यात मुजरिम भैया जी अभी दिल्ली में छुपा हुआ है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5 लाख? भाई भाभी, मैं तो कहता हूँ इस आदमी को ढूंढ लेते हैं, 5 लाख का इनाम मिलेगा, लाइफ सेट। अबे ये डॉन है डॉन, ऐसा ना हो कि लाइफ सेट करने के चक्कर में लाइफ ओवर हो जाए। अरे भाई तुम भी चूहे हो एक नंबर के यार। अरे क्या चूहे हो, अगर पुलिस ने डॉन को पकड़ लिया तो पैसे मिलेंगे और अगर डॉन ने तुम्हें पकड़ लिया तो हमें छुटकारा मिलेगा। वैसे ये डॉन मिलेगा कहाँ? चंद्रमुखी का भाई है, उसका भी नाम भैया जी है, और ये भी भैया जी, और ये भी कानपुर से। चुप करो कदे कहीं के, ये वही भैया जी हैं। भैया जी, भैया जी। भैया जी स्माइल। अरे पप्पू, हुआ है तुम लोगों में, मुझे जल्दी टेला। ओए, यू आर ए पप्पू, समझो, किडनैप कर लो इसको। भैया जी, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप ले जाइए इसे। ले जाइए, ले जाइए। चलो, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? ले जाइए। हम लोग तो बच गए ना? बच गए, बच गए। भाई मुझे तेरी तो शादी भी नहीं हुई, अभी मत मारो, छोड़ दो ना। टाइट दो इसे। अब देख क्या रहे हो, सुन नहीं रहे भैया जी क्या कह रहे हैं, बांधो ना। देख क्या रहे हो, जल्दी टाइट करो। पर भैया जी मुझे क्यों लाए हैं यहाँ पर? शट अप। भैया जी चंद्रमुखी दीदी आई है। गो इनसाइड। आज हम अपनी छोटी बहनिया से बतियाएंगे। भैया जी आप मर्डर डू के एकदम टाइड आ गए होंगे ना, तो देखिए आपकी छुटकी बहनिया आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी ब्रिंगी है। पप्पू जी। ओए प्यारी बहनिया, अब ये लस्सी के हम जमीन से चाट कर ड्रिंक करेगा। चुप कर बे। भैया जी हमें ना पप्पू जी से बहुत लविंग करते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। पप्पू, बिग पप्पू, हमको सब इन्फॉर्मेशन है कि तुम दोनों का लव स्टोरी हमारे अड्डे पर स्टार्ट हुआ था और हमको ही नहीं पता। अरे ठोक दे क्या गोलियां तुम्हारे खोपड़िया पर। नहीं नहीं भैया जी, हम है ना पप्पू जी से बहुत लविंग करते हैं, ऐसा मत करना आप। शट अप। बहनिया ये हमको डंकी बना रहे हैं, ये दिल्ली वाले लोग हम पे सिर्फ लफिया सकते हैं। सच सच बता, ये और इसकी फैमिली तुझ पे कभी लफियाई तो नहीं? हाँ भैया जी, पर ना इनकी फैमिली में ना सब लोग बहुत गुड है भैया जी। जो शहर वाले कभी गुड नहीं होते बहनिया, तूने आज तक तो भैया जी से आसका है ना, भैया जी ब्रिंग ना तुम्हारे लिए, ये तो गोबर का ढेर है, ये कहाँ मिला तुका? नहीं नहीं भैया जी, ये जैसे भी है ना हम तो इनसे बहुत लव डूते हैं। डोंट टेक टेंशन, क्या करूं अपनी बहनिया को, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही है। ठीक है, जब तू इससे इतना लव करती है ना तो तेरा मैरिज करवाऊंगा इससे, बैंड बाजा बजवाऊंगा, आई विल डूइंग डांस। सच? आज ही कराऊंगा सबके सामने, कोई माने चाहे ना माने। पप्पू जी, पप्पू जी। मेरा भाई कहाँ चला गया, अब मैं बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो भी मुंह दिखाओगे ना बाबूजी देख के डरने ही वाले हैं। ओहो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ओवर एक्टिंग मत करो, ऑडियंस भी इरिटेट हो रही है देखो। ओके नंदू, आखिर वो पप्पू को उठा ले गए लेकिन ले क्यों गए? नंदू मुझे लगता है वो लोग ना पप्पू की आंखें फोड़कर उसे लूला लंगड़ा बनाकर सिग्नल पे भीख मंगवाने छोड़ देंगे।
कितनी बार मैंने कहा था उसे नहाने को बोलो, बिना नहाए भी भिखारी लगता ही है, अब भुगतो। हेलो भाभी जी, दही है। अरे चंडोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को दही बुलाने की? अरे मैं भाभी जी को दही नहीं बोल रहा हूँ। अरे अभी तो तुमने कहा कि भाभी जी दही है ना। अरे मैं भाभी जी को दही नहीं बोला, दही मांग रहा हूँ। दही है क्या? ओके चंदू, इसे दही दे दो। अरे कैसे दे दो, दही पप्पू घर में नहीं है, पप्पू होता है तभी मैं दही मंगाती हूँ। हाँ चंदू, तुम्हें मेरी भाई की चिंता नहीं है और दही की चिंता है। ओए पप्पू किधर है? गधा कहीं का, कहाँ है वो? नंदू भाई, नंदू भाई, इतने जज्बाती मत हो, नहीं बोलूंगी गधा उसको, कहाँ है वो? अरे चंदू ने क्यों होया नहीं? अरे भाई इतना मत रो, इतना देखकर तो से लोग रोते हैं। वो इसलिए क्योंकि पप्पू किडनैप हो गया है। क्या? क्या? हाँ। कब, कैसे, कहाँ? ये तो होना ही था, ऐसी ओछी हरकतें करता था, ये तो होना ही था। अबे चुप कर चंडोला, इधर मेरा भाई किडनैप हुआ, तुझे मजाक सूझ रहा है? नंदू चुप करो, जाओ ढूंढो उसे, कहाँ है पप्पू? एक बात बताओ, ये तो मुझे पता है कि कई लोगों को उसकी शक्ल देख के बड़ा ही गुस्सा आता था, पर इतना गुस्सा किसे आ गया जो उसको किडनैप ही कर लिया? भैया जी को। भैया जी, वो यूपी वाले डॉन भैया जी। भगवान, पर उसने किया क्या? नंदू अब क्या खड़े हो तुम, जाओ ना पप्पू को ढूंढो ना। हाँ मैं अभी जाता हूँ। जाओ। चलो चंडला। मुझे अचानक एक काम याद आ गया, मुझे मेरी बीवी बुला रही है। अबे मैं, रुको रुको, ठीक है आज नहीं जाते, कल सुबह उठकर चले आते। हाँ? आलसी कहीं के। मैं कौन हूँ? ये लो। मैं कहाँ हूँ? इस दुनिया में तू अपने माँ बाप के मिस्टेक से आया है, हियर टू योर सेल्फ के मिस्टेक से। भाई साहब आप कौन है? ये मेमोरी लॉस है, बड़ा फिल्मी है रे ये, पर हमारे पास एक मशीन है जिसको सीखे ना बिग बिग लोगों का याददाश्त फटाफट रिटर्निया हो जाता है। एक एक कम गया, कम गया। अपने बारे में कुछ याद आया? सब याद आ गया। अच्छा है कि मेमोरी कम गई, वरना तू कम हो जाता रे, बड़ा लकी है तू। पर भाई साहब मैं ना पप्पू हूँ, लकी नहीं हूँ। तू पप्पू होकर भी लकी है, क्योंकि हमारी बहनियाँ तेरे को पसंद करती है। really? और भैया एवरीथिंग ब्रिंग टू उसकी बहनियाँ, जो भी उसकी बहनियाँ लाइक हो के, आज से तुम भैया जी की फैमिली के मेंबर हो गए और उसके गैंग के भी। नहीं भैया जी, मुझे ना क्राइम से बहुत डर लगता है। अरे तू टेंशन मत ले, एक गोली खाएगा ना सब डर दूर हो जाएगा। एक गोली से डर नहीं निकलेगा भैया जी, गोली से तो आत्मा निकल जाएगी। आज तू मैरिज करेगा मेरी बहनिया से। भैया जी मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। अरे तो ठीक है, हम तो होकर शादी के समय खोल देंगे, डोंट वरी। मेरा कहने का मतलब है ऐसे शादी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। हाँ तो 5 मिनट थिंक क्या लीजिए, जितना थिंक आना है उसके बाद शादी के बाद ही थिंक आना। नहीं नहीं भैया जी आप समझे नहीं, मैं ना पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहता हूँ, बाबूजी का सपना था ये बात। तो देख बबुआ वो मैरिज का मंडप। भैया जी मैं ये शादी नहीं करूँगा। व्हाट? ए छोकरे लोग, अगर ये शादी के लिए ना नुकुर करता है ना तो ठोक देना इसकी कनपट्टी पर। सुराग मिला? हाँ, और मुझे पूरा शक भी है। क्या शक है? कि ये कंक्रीट है। अरे भाई मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, टायर के निशान देखा कुछ पता चला? नहीं, उसे देखकर तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इन निशान को देखकर लगता है कि ये किसी गाड़ी के। अबे भाई टायर निशान गड्डी के होते हैं, कहाँ फंस गया यार? मुझे क्या पता, इतने मोटे हो तो फंस ही जाओगे ना। एक मिनट, 8 सीटर 20 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी का नंबर 0027। टायर को देख के ये सारे डिटेल्स पता लग जाते हैं? अरे नहीं, कुछ गुंडे किसी को किडनैप करके ले जा रहे थे, वो शायद पप्पू ही होगा, बोल रहे थे पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे।
इसका मतलब वो लोगों ने मेरे भाई का किडनैपिंग किया है। पुरानी दिल्ली में बहुत सारे कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं, वो उसे वहीं ले गए होंगे। मुझे लगता है वो उन सारे कारखानों की सफाई के लिए ले गए, लेकिन शायद वो लोग जानते नहीं कि मेरा पप्पू सिर्फ जेब साफ करने में माहिर है, वो चुप कर, बाकी किसी काम का नहीं। चुप, चल मेरे साथ। कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। नंदू दीदी, पप्पू को कहीं कुछ हो ना जाए, हमें उसे बचाना होगा। वो तो है तानिया, पर मुझे लगता है कि भैया जी को पप्पू और चंद्रमुखी वाली बात पता चल गई है, और डर तो इस बात का है कि कहीं भैया जी गुस्से में आके पप्पू के साथ कुछ करना थे वो। तो वो उन्हें सच क्यों नहीं बता देता? क्योंकि अगर पप्पू ने सच बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है तानिया। वो कैसे? वो चंद्रमुखी से नहीं, तुमसे प्यार करता है। क्या? हाँ। मैंने कभी... जानती हूँ तानिया कि तुमने कभी एहसास नहीं दिला है, पर तानिया प्यार तो प्यार होता है ना, और पप्पू को प्यार तुमसे हो गया। पर चंदू दीदी, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा, प्यार नहीं करती होती तो उसके लिए इतना तड़प नहीं रही होती, और अपनी दीदी से झूठ मत बोला कर। हाँ, पप्पू का क्या होगा? तानिया कोई आइडिया लगा ना। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाग जाता हूं। अरे यार, भागूंगा कैसे? इन लोगों ने तो बांध रखा है। ये भाई भाभी भी बचाने नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आए तो ये लोग मेरा ऐसी बैंड बजाते रहेंगे। अरे भाई भाभी, आप आ गए। भाई भाभी, आपकी शक्ल कैसे बदल गई? ओए, ये तेरे भैया भाभी नहीं, तेरे बाराती हैं। What is that? What is that? ओए, चल इसे सेहरा पहना। सेहरा क्यों? अरे क्यों? लेकिन यार, ये टॉपिक क्यों बना रहे हो? अबे भैया, क्या उठा के ले जा रहे हो यार? ओए, तेरा वेयर कर। ऐसे शमशान लेकर नहीं जाते जो इतना डर रहा है। तेरी शादी कराने लेकर जा रहे हैं, चल लेके चल इसे। शादी मैं नहीं करूंगा। शादी तो तेरा फरिश्ता भी करेगा। हाँ तो फरिश्ते की करवा लो। अरे उठाओ यार। मैं नहीं जाऊंगा। तेरा फरिश्ता भी जाएगा। अच्छा ठीक है, मार दो मुझे, क्योंकि मैं चंद्रमुखी से नहीं तानिया से प्यार करता हूँ। Suddenly you realize कि तू हमारी बहन से नहीं बल्कि तानिया से प्यार करता है। भैया जी, आपका शक्ल देख के आपको बेवकूफ समझ रहा है। अच्छा, अब हम यू का बतावत है कि भैया जी को एंग्री करने का अंजाम का होता है। मेरी बहनिया का जीवन डिस्ट्रॉय करने चला था ना, देख अब मैं तेरा भेजा कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। भैया जी, बहुत धोखेबाज चीटरबाज है। टाइम देता हूँ, फिर भी अगर ये नहीं माना तो ठिचकाऊं। तो चल ले। चंद्रों की लस्सी मिलेगी। पप्पू जी, आप आज तक हमारे इमोशन वा के साथ फुटबॉल का मैच प्ले करते रहे और हमको कुछ पता ही नहीं चला। चंद्रमुखी, मुझे माफ कर दो, भैया जी के बारे में सोच सोच के ना मेरी हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। हाँ, हाँ, हाँ। आप जानते हैं ना पप्पू जी, कि जब कोई किसी से लव करता है ना और सामने वाला हमसे लव नहीं करता है ना, तो यहाँ हटवा में बहुत पेन होता है। रियली? आप क्या जाने। और जब ये पता चले ना कि जिससे हम लव करते हैं वो हमारे साथ लव का नाटक कर रहा है,
तब तो बहुत ही पेन होता है पप्पू जी, लेकिन आप क्या समझेंगे? मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तो मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है पप्पू जी। अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब ना अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं चंद्रू की अभी देर नहीं हुई, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई ना। अच्छा, और जो हमारा दिल टूट गया उसका कुछ नहीं? पप्पू जी हमने ना डिसाइड कर लिया है। क्या? यही कि हमारी और आपकी प्रेम कहानी तो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन हम अब आपकी प्रेम कहानी कंप्लीट करवा कर ही छोड़ेंगे। हाँ मतलब कि अब हम जो भी कहते जा रहे हैं ना, बस आप कान लगा कर सुनते जाइए, और हम जो कहेंगे ना आप बस वैसा ही करते जाइए, समझे ना? पहले हमको ये बताइए कि तानिया कहाँ है। तानिया मेरे घर में होगी। ठीक है। ओहो यार, ये नंदू और चंडोला के फोन आउट ऑफ नेटवर्क क्यों आ रहे हैं? चंद्र दीदी आपके पास वो चंद्रमुखी का नंबर है ना, उससे बात करके देखो ना। ये अच्छा आइडिया है, लो उसी का फोन आ गया। हेलो चंद्रमुखी, मैं तुम्ही को फोन करने वाली थी। तानिया, तानिया तो यहाँ है मेरे पास। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ चंद्र दीदी? कुछ नहीं, चंद्रमुखी का फोन आया, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। एक मिनट, उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? हाय दीदी, कहीं पप्पू ने मेरे बारे में बता तो नहीं दिया सब कुछ? हाय, का मतलब पप्पू की जान खतरे में है। हाय हाय हाय, क्या करें? हाय हाय हाय, रब जी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या टेला इस लंगूर ने, शादी के लिए तैयार है? हाँ भैया जी, पप्पू जी ना हमसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पप्पू जी पहले से ही शादीशुदा है भैया जी। हाँ 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 भैया जी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। किससे शादीशुदा है? किससे शादीशुदा हूँ? अरे पप्पू तुम भूल गए, तुम तानिया से शादीशुदा हो, भूल कैसे गए? हाँ हाँ भैया जी, मैं तानिया से शादी। तानिया से? इंस्टॉलमेंट में तेरी याददाश्त बैक हो रही है। पहले तो तानिया के साथ प्यार करता था, अभी उसके साथ तेरी शादी हो चुकी है। कुछ देर के बाद बोलेगा तेरे बच्चे भी हैं। बच्चे हो गए क्या? नहीं नहीं। अब तू दूल्हा बनेगा या भैया जी की गोली का शिकार? नहीं भैया जी रुक जाइए, आप पप्पू जी को नहीं मार सकते। अब हम पप्पू जी से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको याद है जैसे आप उस औरत से शादी करके आज तक खुश नहीं रह पाए ना, वैसे ही। हाँ हमारी बीबी रमा, कितना प्यार करता था मैं उसको, लेकिन मुझे चीट करके वो रामू तबेले वाले के साथ भाग गई। अरे उसको तबेले का इतना ही शौक था तो मुझसे बोलती, मैं खरीद को उसको गिफ्ट कर देता। हाँ भैया जी, हम इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं, अगर आपने पप्पू जी से हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी ना, और शादी के बाद अगर पप्पू जी हमें छोड़ के भाग गए तो हमारा क्या होगा? अरे कैसे भागेगा ये? तुझे कैसे पता कि ये शादीशुदा है? तेरे पास कौन सा सबूत है? भैया जी हमारे पास ना सबूत है पप्पू की शादी का। भैया जी पता है पप्पू जी ना अपने घर पे ना उस तानिया के साथ ही लिवते हैं। आप चाहे ना कभी भी जाकर कंफर्म कर लीजिए, तानिया आपको वहीं पर ही मिलेगी। हाँ भैया जी। हाँ करूंगा। और सुन, अगर तेरी बात गलत निकली तो तू गया बचवा, तू तो गया। हाय रब जी, मेरा पप्पू न जाने किस हाल में होगा। मुझे बताए पप्पू ने ना व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, उसके आंख पर एक मार है घुसेगा और उसके बाल बिखरे हुए। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ हूँ पप्पू। भैया जी स्माइल। तुम दोनों में पप्पू की बीवी तानिया कौन है? मैं हूँ तानिया, पर मैं पप्पू। अरे यही तो है, यही है मेरी बीवी तानिया। कैसी हो डार्लिंग? ये मेरी बीवी है, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। ओए तो झूठ तो नहीं चल रही है ना? ओ जी मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं ना। ओए तो टेल ना, तू इसकी बीवी है क्या? हाँ मैं इसकी बीवी हूँ। पप्पू ने तानिया से 2 साल पहले शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ओए इधर आ, इधर आ। भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। एक बात बता,
इन लोगों की शादीशुदा लाइफ कैसा रन कर रहा है? फाइटिंग तो नहीं होता है, झूठ बोला तो गोली ईटिंग के लिए तैयार है ना, समझा? मैं बताती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और पप्पू तो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के। भैया जी आप ना इन लोगों को लीव दीजिए, ये लोग ना बहुत ही शरीफ लोग हैं और ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत लविंग भी करते हैं, आप लीव दीजिए भैया जी इन्हें। ओए हमको माफ कर दो, हम अपनी बहनिया की खुशी के लिए सेल्फी से आ गए थे। माफ किया माफ किया, ये हमारी बहनिया नहीं हमारी बिटिया है, इसकी खुशी हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारी बहन खुश रहे। ओए पप्पू अरे शादी वादी करके खुश रहे यार, हम चले थे भाई। बहनिया चल। जय राम जी। खुश रहा भैया। चलो आप सब ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिंदगी भी बच गई। और चंद्रमुखी वैसे तुम्हारे प्यार को ही तो सच्चा प्यार कहते हैं, है ना? अरे नहीं तान्या, हमारा प्यार तो अधूरा रह गया इस जन्म में, लेकिन हाँ अगले 6 जन्मों तक ना हम पप्पू जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चंद्रमुखी भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा पति मिले, पप्पू से भी अच्छा। हाँ। खुश रहो। बाय बाय। चंदू भगवान अंकल ने क्या मैट्रिमोनी खोल दी है क्या, कि अब इस लड़की के लिए भी दूल्हा तलाशना पड़ेगा? नंदू पप्पू मेरे भाई तू वापस आ गया। हाँ भाई वो भी जिंदा। अच्छा जिंदा तो तू आ गया पर तू जिंदा बचेगा नहीं, क्या कहा था तूने? मैं तेरी बीवी हूँ हाँ, और तू मुझसे बहुत प्यार करता है, कहाँ फंसाया तूने मुझे? और तूने वो चंद्रमुखी के साथ क्या किया था? क्या बोल रहा है तू? बचेगा नहीं तू जाए का खा। खामोशियां बेचैनियां।